हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये मेरी एक कृष्ण बेल है। ये देखिए, ये तो बहुत सुंदर कलर है, बहुत प्यारा कलर है और ढेरों बर्ड्स आ रही हैं इसमें। बहुत फूल खिल रहे हैं, देखिए ये कितनी कलियाँ आई हुई हैं, हर ब्रांच पे कलियाँ आई हुई हैं। ये देखिए, तो अभी मैंने फरवरी में इसमें इसकी मिट्टी को गुड़ाई करके और इसमें ये देख रहे हैं आप, ये किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और ये पत्तों की खाद मैंने डाली है, लीफ मोल्ड जिसे कहते हैं ना, वो डाली है। देखिए ये है, तो ये मूँगफली के छिलके वगैरह भी मैंने डाल रखे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी रूट डेवलप हुई है। और देखिए पानी, अभी भी कल मैंने पानी डाला था, इस तरह की मिट्टी है बिल्कुल सैंडी सॉइल, हाथ से बहुत भुरभुरी मिट्टी है। जब मैंने ये खाद डाली थी, गोबर की खाद वगैरह डाली थी, तो मैंने ये मल्चिंग की थी ये धान की भूसी से, फिर मैंने ये पत्तों से मल्चिंग कर दी। देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है, मेरे हाथ से ही ये गुड़ाई हो जा रही है। तो और ये 16 इंच के पॉट में लगी हुई है और बहुत अच्छे से फैल रही है, बहुत बड़ी हो रही है और काफ़ी ब्रांचेज निकल रही है। देखिए आप, ये देखिए काफ़ी कलियाँ भी निकली हुई हैं हर ब्रांच पे। देखिए ये सब कलियाँ भरी हुई हैं और धीरे धीरे खिलती भी जा रही हैं। तो ये यहाँ पे अभी देखिए मॉर्निंग की धूप शुरू हो गई है लगना, सुबह के 7 बजे हैं और धूप लगना शुरू हो गई है। और ये फिर ये पूरे शाम तक की, पूरे टाइम की, यहाँ तक की सन यहाँ तक आता पश्चिम में, तो शाम तक की यहाँ धूप लगती है। मगर हाँ, मिट्टी में बहुत कम धूप लगती है, गमला गर्म नहीं होता है। ये फैक्ट है कि ये गमला गर्म नहीं होता, इसकी मिट्टी को मल्चिंग वगैरह कर रखी है। तो पानी भी मैं डालती हूँ, तो डालती तो भर के हूँ, पर मिट्टी ऐसी है कि डालने के बाद में सुबह तक आपको ड्राई मिलेगी। आपको मैंने मिट्टी दिखाई थी और इसमें मैंने किचन वेस्ट की खाद मैंने भर के इसमें डाल दी थी। इसे मैं किचन वेस्ट एक बैग में भरती हूँ, पॉली बैग में, इसके ऊपर रख देती हूँ, फिर वो इस पर पानी डालती रहती हूँ, धीरे धीरे उसका लिक्विड इसमें मिलता रहता है। इसे जब वो हाफ डिकम्प हो जाती तो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। और अभी अभी मैंने ये 5-6 दिन पहले पत्तों की खाद भी डाली थी, ऊपर से मल्चिंग टाइप की थी, तो उसी का ये रिज़ल्ट है। केमिकल इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। देखिए एक इस तरह से सभी चारों तरफ की कलियाँ बहुत खिली हुई हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा कलियाँ खिली हुई हैं और अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये बिना खिले ही गिर जाएंगी, तो ओवर वाटरिंग मत कीजिए। फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से लगा सकती हो अपने गार्डन में। ये मैं लास्ट ईयर दिसंबर में लेके आई थी और अभी देखिए इसकी ब्रांच कितनी मोटी हो रही है, धीरे धीरे और भी मोटी हो जाएगी। स्टॉक मैंने नीचे नीचे के सारे पत्ते निकाल दिए, जिससे कि मिट्टी में हवा लगती रहे, क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिट्टी सौगी सौगी सी हो रही थी। वैसे मेरी मिट्टी की ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, मगर अभी रोज़ बारिश हो रही थी, तो इस वजह से जनवरी में भी बारिश हुई, दिसंबर में भी बारिश, परेशान कर दिया बारिश ने। तो ये इसमें मैंने इस तरह से इसकी केयर की है, बहुत से लोग केयर टिप्स पूछ रहे थे इसकी, तो आप देख लीजिए ये वीडियो। और इसमें पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, मगर इतना ध्यान मत रखिएगा कि लाड़ में ज़्यादा पानी डाल दें। और इसमें मैं एक चीज़ और डालती हूँ, ये देखिए ये चाय पत्ती, बस ओनली 1 टेबल स्पून आप इसमें इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए और मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, क्योंकि इसे एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। तो आप इसमें महीने में एक बार चाय पत्ती अपने डाल दीजिए, चाहे यूज़ की हुई डाल दीजिए। मैंने अभी यूज़ की हुई तो मैंने डाल दी है, बस आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, वैसे मैं यूज़ की हुई डालती हूँ। तो आप यूज़ की हुई चाय पत्ती इसमें डाल दीजिए, और ये एसिडिक सॉइल को पसंद करता है तो खूब अच्छे से ये सर्वाइव करेगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र का इफ़ेक्ट भी बहुत होता है। तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। पानी की जगह, जैसे शाम को आप पानी डालते हैं, तो आप पानी की जगह आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। और क्योंकि ये वाइन है, लता है, तो इसलिए इसे इस तरह से सपोर्ट दीजिएगा किसी चीज़ से, लकड़ियों से या फिर आपकी कोई इस तरह से ये डोरी बांध लीजिए, तो उसे सपोर्ट दे दीजिए, तो ये ऐसे चलती रहेंगी। ये देखिए मेरी ऊपर तक लटक गई है, ये देखिए। तो इस तरह से इसकी सपोर्ट देते रहिएगा और कलियाँ भी खिलेंगी आएंगी। और कलियाँ अगर गिर रही हैं तो देखिएगा आपने कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं दे दिया है, अभी ये टच करने से मेरे गिर रही हैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो ध्यान रखिएगा पानी ओवर वाटरिंग ना हो, और सप्ताह में एक बार आप फंगीसाइड का पानी इसमें डालते रहिएगा तो भी सही है।
फिलहाल मैं तो नहीं डालती हूँ अभी, गर्मियों में बरसातों में मुझे बहुत टेंशन हो गई थी इसकी। बारिश के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा था क्योंकि पानी सूख ही नहीं रहा था, स्पेशली ठंडों में तो इसने बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी इसकी वजह से कि इसमें बारिश का पानी 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 ही चल रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था बारिश का पानी। इसके मेरे पास 3 कलर हैं, रेड है, पर्पल है और ये वाला है। तो इसके कई एक कलर होते हैं, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये, अभी इसमें फ्लावरिंग तो शुरू हो गई, बाकी में अभी नहीं शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।